आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। स्मार्ट मीटर और व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने शहर के मौनिया चौक के पास एक दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में कांग्रेस नेता शामिल हुए। वही धरना में शामिल कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। आपको बताते चले कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेताओं ने एक धरना आयोजित की। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने किया। धरना को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में मोदी नीतीश की सरकार पूरे प्रदेश में पुराने बिजली के मीटर को हटाकर नया प्रीपेड जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर के नाम से लगा रही है, लेकिन इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर में कई खामियां मौजूद हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी और सरकार षड्यंत्र रचकर आम जनता को लूटने का काम कर रही है और बिजली देने के बदले जबरन अधिक राशि वसूल रही है। क्योंकि प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, इसलिए इसमें घर घर जाकर बिजली का बिल देखने की व्यवस्था नहीं है। इसे केंद्रीकृत तरीके से संचालित किया जा रहा है और मनमानी ढंग से पैसे की वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी सेवा प्रदाता सेवा देने के उपरांत ही सेवा शुल्क का भुगतान मांगता है, फिर भी बिहार सरकार के बिजली विभाग को सेवा देने के पूर्व ही भुगतान क्यों चाहिए। इसके पीछे डबल इंजन की सरकार की मंशा सिर्फ यही है कि यदि पैसा पहले ले लें और उसके बाद मनमानी ढंग से कटौती कर लें तो जनता जाएगी कहां। ये मोदी नीतीश की सरकार भविष्य में बिहार की गरीब जनता से प्रति वर्ष 10,000 करोड़ लूटने की योजना है, जो तीव्र गति से कार्यान्वित होती जा रही है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं की सहमति से ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर विभाग लगा सकती है, लेकिन बिहार में बिजली विभाग माननीय न्यायालय के आदेश को भी अनदेखा करते हुए जबरदस्ती सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगा रही है। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाना अब अनिवार्य कर दिया है। जो लोग नहीं लगाना चाहते उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है और न लगा पाने के क्रम में बिजली उपभोक्ताओं पर थाने में केस शिकायत भी दर्ज करवा रही है। इन सभी समस्याओं को गंभीर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी जनहित की इसका पूरा विरोध करती है तथा मांग करती है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को हटाकर प्रदेश में पहले की तरह पोस्टपेड मीटर को ही सभी घरों में लगाया जाए। कांग्रेस का प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ यह आंदोलन प्रखंड पंचायत और गांव तक जागरूकता और सभी प्रखंडों में धरना के माध्यम से है और जिला में महाधरना करके समाप्त होगा। प्रीपेड मीटर के खिलाफ कांग्रेस का कार्यक्रम एक महीने तक चलेगा। स्मार्ट मीटर और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिवसीय धरना है, यह पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में है और यह कार्यक्रम जो है कांग्रेस पार्टी ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ आज से 15-20 दिन पहले शुरू किया था। पदयात्रा भी निकाली थी पटना से गया तक का। और स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर के नाम पर सरकार और कंपनियों की मिलीभगत से जनता और आम जनमानस का आर्थिक शोषण हो रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है इसको जल्द से जल्द बंद करके पहले जो पुराना मीटर था उसको पुनः लगाया जाए, ताकि कंपनी और सरकार की मिलीभगत से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और आम जनमानसों का शोषित जो आर्थिक का शोषण हो रहा है वह रुके। मैं ओम प्रकाश गर्ग, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल। स्नातक पार्ट वन घोषित रिजल्ट के में बड़े पैमाने पर छात्रों को प्रमोटेड किए जाने के कारण आक्रोशित छात्रों के साथ एबीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कमला राय कॉलेज के मुख्यतः गेट पर परिषद कार्यकर्ताओं ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण का पुतला दहन कर प्रमोटेड छात्रों के रिजल्ट को सुधार पर जांच किया जाए। आपको बताते चले कि एवीपी के विभाग संयोजक अनीश कुमार ने बताया कि स्नातक 2022-25 के प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी हुआ है, जिसमें 75% से अधिक छात्रों को रिजल्ट प्रमोटेड दिखा रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद गोपालगंज इकाई द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालते हुए कमला राय कॉलेज के मुख्य द्वार पर परीक्षा नियंत्रण का पुतला दहन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रमोट हुए छात्र भी शामिल रहे। पुतला दहन करते हुए एबीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 3 सत्रों के परीक्षा परिणाम जो जारी हुए उनमें से अधिकांश छात्रों को प्रमोटेड किया गया था। छात्र अपना रिजल्ट सुधारने के लिए विश्वविद्यालय जाते थे तो विश्वविद्यालय कैंपस में दलालों के चक्कर में आकर 1500 से लेकर 5000 रुपए तक दिया जाता था, ताकि हमारे रिजल्ट सुधरवा सके। वही इसकी जानकारी होते ही एबीपी के द्वारा लगातार आंदोलन शुरू की गई, जिसके कारण इस पर अंकुश लगी और कॉलेज में जमा आवेदन के माध्यम से रिजल्ट सुधार का कार्य शुरू हुआ।
अगर एक सप्ताह के अंदर पुनः रिजल्ट को जांच कर जारी नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एबीपी के उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। आंदोलन के दौरान एबीपी के खेलो भारत के प्रांत संयोजक प्रिंस सिंह, विभाग संयोजक अनिश कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरिओम राय, एसएफ जिला संयोजक आशीष पटेल, नगर मंत्री रोहित जायसवाल, नगर कार्यकारी सदस्य सूरज कुमार चंदन, कमला राय कॉलेज अध्यक्ष अभिषेक सिंह, उपाध्यक्ष विक्की कुशवाहा समेत कई लोग शामिल थे। विजयपुर के कुटिया पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन हेतु कचरा उठाव के लिए बुधवार को प्रखंड समन्वयक दीपक कुमार और स्थानीय मुखियापति श्रीराम कुशवाहा ने ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर कचरा उठाव के लिए रवाना किया। मुखियापति ने बताया कि कल से सभी वार्डों से कचरा का उठाव निरंतर शुरू हो जाएगा। गीला कचरा और सूखा कचरा को रखने के लिए सभी घरों में हरा और नीला डस्टबिन का वितरण कर दिया गया है। सभी वार्डों से कचरा का संग्रहण कर उसे कचरा प्रसंस्करण इकाई में ले जाया जाएगा, जहां कचरे से खाद तैयार होगा। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन आई प्लस में आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। दो लेंस और दो फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट, तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड डीएवी स्कूल के सामने गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर इमरान हुसैन खान हड्डी नस जोड़ रीढ़ की हड्डी स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट, नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ, महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज, नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर 24 घंटे सातों दिन इमरजेंसी सेवा, कमला राय कॉलेज रोड नियर होटल रालसन गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन, CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शिशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे सातों दिन, मेडिकेयर हॉस्पिटल स्थान थावे रोड बिप्रासी स्कूल के सामने गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
बुधवार को पूर्वाहन में विजयपुर थाने का पदभार ग्रहण किए सुरज कुमार शर्मा, इसके पूर्व थाना अध्यक्ष मनीष कुमार की कार्य के प्रति लापरवाही, शराब माफिया के साथ साठगांठ, फरियादियों से अभद्र व्यवहार एवं अवैध उसूली जैसे संगीन आरोप के जांचोपरांत पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित द्वारा विजयपुर के थाना प्रभारी मनीष कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था एवं सूरज कुमार शर्मा को थाना अध्यक्ष के रूप में योगदान करने की आदेश दिया गया। अब देखना है कि नया थाना अध्यक्ष सूरज कुमार शर्मा विजयपुर के शराब माफिया, भू माफिया, गौ तस्करी एवं अवैध वसूली, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नकेल कैसे कस पाती है। जो भी हो, लेकिन आज तक बहुत ही कम विजयपुर के पुलिस पदाधिकारी पुलिस पब्लिक रिलेशन, पुलिस प्रेस रिलेशन को बरकरार रखने में कामयाब हो पाते हैं, लेकिन यह एक सकुशल पुलिस पदाधिकारी के लिए अति आवश्यक होती है। कटिया थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सिद्धवलिया के एक दुकान में छापेमारी कर 1 किलो 900 ग्राम गांजा के साथ एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार बुधवार को पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तभी गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के सिद्धवलिया में एक व्यक्ति अपनी दुकान में गांजा छुपा कर रखा हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त जगह पहुंचकर दुकान में छापेमारी किया तो 1 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद गांजा को जब्त करने के साथ ही दुकानदार को गिरफ्तार कर थाने लाई और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। गिरफ्तार दुकानदार थाना क्षेत्र के रेपुरा निवासी राम राखन बीन बताया जा रहा है। गोपालगंज राजद ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित कर तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। शहर के एक मैरिज हॉल में राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी तथा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं प्रधान महासचिव की बैठक में ये संकल्प लिया गया कि पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरी निष्ठा के साथ धरातल पर पार्टी को मजबूत करने का प्रण लिया है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी के ऋण है और आज जरूरत इस बात की है। आप गांव-गांव जाकर पार्टी के नीतियों से आम जनता को अवगत कराएं तथा उन्हें दल से जोड़ने का काम करें। श्री सिंह ने कहा कि आज बिहार के युवा और नौजवान साथी तेजस्वी यादव को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। 17 माह के अपने अल्पकाल में उन्होंने 5 लाख से ज्यादा नौकरियां देकर एक कीर्तिमान बना दिया है। उनके कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। श्री सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नवंबर के प्रथम सप्ताह में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत गोपालगंज के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और संगठन की मजबूती को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। बुधवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार न्यायपूर्ण नए बिहार के निर्माण के लिए भाकपा माले सारण जोन की बदलो बिहार न्याय यात्रा कटिया से शुरू हुई। यात्रा शुरू होने से पहले सैकड़ों पदयात्रियों और कटिया वासियों की उपस्थिति में जनसंवाद सभा का आयोजन किया गया। जनसंवाद सभा को संबोधित करते हुए जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की नीति सरकार में दलितों, मुस्लिमों और गरीबों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। हाँसे पर पड़े रहे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। महागठबंधन की 17 महीने की सरकार के दौरान नीतीश कुमार ने गरीबों के हित में जो घोषणाएं की थी वे उन्हें भूल गए हैं। माले के समर्थन से चली सरकार ने आर्थिक गणना के बाद 72,000 रूपए की कम आमदनी वाले 95 लाख परिवारों को घर गृहस्थी चलाने के लिए 2-2 लाख रूपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, अब वे इसे भूल गए हैं। गरीब अपना हक लेके रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा कि सभी भूमिहीनों को आवास बनाने के लिए 5-5 डिसमिल जमीन देने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए 5-5 लाख रूपए देने का वादा किया था। माले नेता ने कहा कि पार्टी इन घोषणाओं को जुमला नहीं बनने देगी और माले के नेतृत्व में गरीब अपना हक लेकर रहेंगे। माले गोपालगंज के सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने बताया कि जनसंवाद सभा के बाद अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दरौली के विधायक सत्यदेव राम के नेतृत्व में कटिया बाजार से बदलो बिहार न्याय यात्रा शुरू हुई। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस ने माझा प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने अंचल कार्यालय का अवलोकन किया जहां साइनेज बोर्ड और कर्मियों के नाम के बोर्ड न होने पर उन्हें जल्द से जल्द लगाने के निर्देश दिए। कर्मियों की उपस्थिति और पंजी की जांच के दौरान कार्य आवंटन और कर्म पुस्तिका की संधारण में सुधार के निर्देश दिए गए। संविदा कर्मियों के लिए अलग अलग उपस्थिति पंजी बनवाने की बात कही गयी।
प्रखंड कार्यालय में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और रंग रोगन को एक सप्ताह के अंदर सुधारने के निर्देश दिए गए। जन शिकायतों का निपटारा समय पर सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमृत स्मृति शिलापट की प्रशंसा करते हुए इसके सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश दिए। कृषि भवन की साफ सफाई में कमी और प्रकाश की कमी पर नाराजगी जताई गई और इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर सुधार करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने आम जन की समस्याएं भी सुनी। अमेठी पंचायत की इंदु देवी के जमीन अतिक्रमण के मामले में अंचल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कार सवार दो लोगों को 54 लीटर से अधिक शराब के साथ गिरफ्तार किया। ये दोनों मोतिहारी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई बलथी चेक पोस्ट पर की गई, जहां कार की बोनट में तहखाना बनाकर उसमें विदेशी शराब लाई जा रही थी। तभी पुलिस ने वाहन जांच करते हुए पकड़ लिया। ये ऑफिसर च्वाइस शराब की पैकेट है, जो 302 पीस बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी राजेश पटेल और गोलू कुमार, ये दोनों दिल्ली से शराब लेकर आ रहे थे और इन्हें मोतिहारी में ले जाना था। तभी उत्पाद विभाग की पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और इनकी गाड़ी और शराब को जब्त किया है तथा दोनों आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मीरगंज स्थानीय थाना क्षेत्र के मीरगंज कचहरी रोड में बुधवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच का उद्घाटन किया गया, जो दीना चौधरी के मकान में स्थित है। ये शाखा बिहार की 196 शाखा है। सिवान के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर नगेंद्र कुमार बैठा के द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अग्रणी जिला प्रबंधक जे के जमुआर, अरुण कुमार पांडे, मुख्य प्रबंधक राणा प्रताप सिंह, साब रजिस्टर अरमन जी के अलावे हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बैंक के शाखा प्रबंधक ने पत्रकारों को बताया कि हमारा बैंक सभी ग्राहकों को उचित सुविधा, मधुर व्यवहार एवं समुचित लेन देन की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि हमारी शाखा में आप आइए, खाता खुलवाइए और हमारे बैंक से लेन देन कीजिए। विशम्भरपुर थाना क्षेत्र के महावीरी पूजा समिति आखड़ा नंबर 3 संकट मोचन हनुमान मंदिर बलवंत सागर में 17 अक्टूबर को जुलूस व 18 अक्टूबर को मेला। जुलूस में रात में दोगोला रूपम तिवारी व अनिल यादव दोनों कलाकारों का जबरदस्त मुकाबला होगा। जुलूस व मेला में प्रसाद और भंडारे की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के अलावे पुलिस बल को तैनात किया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि ड्रोन से निगरानी होगी, जुलूस और मेले पर नजर रखी जाएगी। मंदिर पुजारी अखिलेश्वर तिवारी, अध्यक्ष छोटन पांडे, विश्वजीत गुप्ता उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश गुप्ता कोषाध्यक्ष, शैलेश पांडे, बिंदा शाह, उमेश चौरसिया, प्रदीप पांडे आदि भक्त पूजा को सफल बनाने में जुटे हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।